आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी एंड मेरा तो फेवरेट है कॉफी के साथ सिनेबन्स। सो सिनेबन का स्टार इंग्रेडिएंट होता है सिनेमन, विच इज अपनी पिसी हुई दालचीनी आई टेकन। सो लेट्स स्टार्ट एंड इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे, तो वो शुरू करते हैं। ओके ओके। सो सबसे पहले डो के लिए चाहिए मुझे वॉर्म मिल्क, हल्का ल्यूकवॉर्म, मेल्टेड बटर इन फैट, पाउडर्ड शुगर, मैदा, ड्राई यीस्ट, कॉमनली मार्केट में मिल जाता है सोलर का ले लेना, किसी भी कंपनी का ले लेना, एंड थोड़ा सा चुटकी भर ना। ओके, तो सबसे पहले डो के लिए हमें क्या करना है, हम वॉर्म मिल्क लेंगे, वॉर्म ही होना चाहिए, थोड़ा ल्यूकवॉर्म, वरना हमारा यीस्ट राइस नहीं होगा। उसमें हम बटर डालेंगे, हमारा शुगर थोड़ी डाल देना पहले, हल्का सा नमक, और फिर हमारा ड्राई यीस्ट। अब इसे 2 मिनट हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, इससे क्या होगा हमारा यीस्ट थोड़ा राइज हो जाएगा इस पर और ऊपर एक लेयर सी बना देगा। इसे 5 मिनट छोड़ के फिर इसमें हम मैदा डालेंगे। तो मेरा मिल्क थोड़ा सा सेटल हो गया है, यीस्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें अंदर डाल दूँगी मेरा फ्लोर, दिस इज मैदा आई हैव टेकन। ओके, सो आई ऐड माय मैदा एंड बची हुई शुगर, दैट्स इट, नाउ डन। अब इसको अच्छे से हम एक घड़ी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा डो होगा पर कोई नहीं, सो थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा डो होगा, सो डोंट यू वरी, इट इज़ लाइक दिस ओनली, मिक्स इट नाइसली। एंड इसके बाद थोड़ा हैंड से भी करेंगे, ओके। अब मैं इसको हैंड से लूँगी और एक ऐसे मिक्स करके बस इसकी बॉल सी बना के फिर इसे कवर करके रख देंगे हम लोग, ओके। सी मैंने उस स्टिकी डो को अच्छे से करते करते थोड़ा सा मैदा जो बचा हुआ मैदा था वो डाल के उसे ठीक सा कर दिया एंड थोड़ा डो लाइक हो गया, बट स्टिल इट इज़ स्टिकी, यू कैन सी। एंड इसको अब मैं ऐसे छोड़ के फिर क्लिंग रैप लगा के अंदर रख देती हूँ। एंड क्लिंग रैप लगा के आपको कम से कम 1 घंटे के लिए आप हमारे डो को रखना है। तो इतने मेरा डो रेस्ट हो रहा है, हम अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सॉफ्टेंड बटर, ओके, अमूल बटर या कोई सा भी। उसके अंदर हम डालेंगे ब्राउन शुगर एंड फाइनली आवर स्टार इंग्रेडिएंट सिनेमन पाउडर। एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सी मैंने ना उस डो को लगा के रखा हुआ था पहले से एंड क्लिक आप लेके देखो कितने अच्छे से फूल गया, एंड इट इज़ द सेम क्वांटिटी, यू कैन सी इट इज़ जस्ट गॉन ट्वाइस राइस एंड डबल हो गया आराम से। इसको थोड़ा पंचर कर दो एंड ये साइज वाइज सब सॉफ्ट हो जाएगा, कुछ ऑयल बटर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सी हाउ इट इज़ एंड इट्स सो नाइस। अब हम इसको लेंगे, इसको बस कुछ नहीं करना, हम एक रोलिंग पिन से इसको अच्छा सा बेल देते हैं। मेरे से भूल नहीं रहा है। अच्छा, अब आई विल टेक द फ्रॉस्टिंग, आई विल पुट इट ऑन द डो एंड विल टेक अ स्प्रेडर, अच्छे से इसको जितनी हो सके अच्छे से इस पर स्प्रेड करेंगे। सी लाइक दिस, ओके, यू मस्ट हैव सीन इट, इवनली स्प्रेड करना है। ओके, सो मैंने इसकी फिलिंग अच्छे से इसके ऊपर डाल दी है एंड नाउ विल जस्ट रोल इट स्लोली स्लोली, विल रोल इट लाइक यहाँ से, आई विल स्टार्ट रोलिंग इट एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली विल रोल इट, ओके।
सी माई लॉग इज़ रेडी। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, नहीं तो एक बड़ा भी कर सकते हो, अप टू यू। सी नाइस, इक्वल पार्ट्स में मैंने कट करा है, देन नाइस। अब मैं क्या करूँगी, मैंने छोटे बेकिंग टेंस लिए हैं, इसमें इफ़ यू वॉन्ट यू कैन लाइन इट विद द बटर, पर ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्लेस थ्री थ्री इन वन, बिकॉज ये अभी राइस होके पूरा अच्छे से वो हो जाएगा। एंड प्लेस इट। अब इसके बाद मैं इसको क्लिंग रैप से कवर करती हूँ। सो मैंने अपने क्लिंग रैप से अपने सिनेबॉन्स को कवर कर दिया है, एंड आई विल कीप इट अभी फॉर एटलीस्ट 35-40 मिनट्स। जब भी थोड़ा सा और राइज और स्प्रेड हो जाएगा फिर मैं इसे बेक कर दूँगी। ओके, सी मेरे सिनेबॉन्स ये रखे हुए थोड़े राइज हो गए हैं। अब हम मैं इसे सीधा ओवन में बेक करूँगी एट 180 डिग्रीज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। ओके, इतने मेरे सिनेबॉन्स बेक हो रहे हैं, मैं इसकी ऊपर की आइसिंग बना लेती हूँ। जनरली सब लोग क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बनाते हैं, फॉर नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज एंड व्हाट आई लाइक इज मैंने मिल्क मेड लिया है। मिल्क मेड में मैं वनीला एसेंस डालूंगी, दैट्स इट बस, और इसको थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी उसके ऊपर। ओके, सो मेरे सिनेबॉन्स रेडी हो गए हैं, मुझे उसकी बेल सुनाई दे गई है, आई एम टेकिंग देम आउट एंड सी नाइस, कितने ब्राउन और क्रिस्पी, वाओ सुपर अमेजिंग हुए हैं। अभी इट इज़ वेरी वेरी हॉट, अगर आपको ऐसे पसंद है तो यू कैन हैव इट लाइक दिस ऑल्सो, वरना जो मैंने ग्लेजिंग बनाई है बस आई विल जस्ट इवनली स्प्रेड इट ओवर इट एंड सी, थोड़ी सी लगा दो बस। This is ready. My cinnamon is ready. Please आप लोग बनाना घर पे और मेरे को भी शेयर करना कि कैसा बना कैसे नहीं बना, कुछ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो उतना शेयर करो एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू।